बसम्स अल्लाम दोस्तों आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल अमरीका के डेमोक्रेटिक उम्मीद उम्मीदवार जो बाइडन ने एक बयान दिया है और उस बयान में जो है उन्होंने कहा है कि भाई कश्मीर पर जो है मोदी ने 370 आर्टिकल जो रिवोक किया है और जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनके लिए जो कि एन आर सी का कानून पास किया है ये ज़ालमाना है और हम इसको रोकेंगे ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान को जो है कैश करानी चाहिए और पाकिस्तान के रियाती इदारों को वजी अजम इमरान ख़ान को ये चाहिए कि भैया ना वो ये कैश जो उन्होंने बयान दिया है इस सूरत आल को वो कैश कराएँ सूरतल ये है इस वक्त ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है ये बहुत बड़ा अमरीकी जो कि डेमोक्रेटिक के जो है बयान दिया है उन्होंने और जो है उम्मीदवार हैं जो कि चंद महीनों बाद जो है ये इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में आपको जो है मेरा चैनल अगर वो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें आइकन को वो प्रेस कर दें वीडियो अगर आपको देखने के बाद वो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट्स भी करें तो ये जो बाइडन का जो है ये बयान जो है बहुत ही नपातुल्ला बयान है और कश्मीरियों की हिमायत के लिए जो इनका ये बयान आया है वो इसलिए था कि मोदी ने जो है इमरान खान जब अमेरिका गए थे और इमरान खान ने जो तो वहाँ पर वो जलसा किया था वो जलसा बहुत बड़ा था और पाकिस्तानियों की उसमें बहुत बड़ी वो तादाद थी हज़ारों की वो तादाद में इमरान खान ने वो जलसा किया और वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों ने वहाँ उसमें शिरकत की तो मोदी वो जब गए अमेरिका तो मोदी ने भी कहा कि हम भी यहाँ पर वो जलसा करेंगे और जो वहाँ पर अमेरिका में जो है पैंतालीस लाख इंडियन वहाँ पर वो रहते हैं वो भी आपको वोट वो हिलवाएंगे तो ट्रम्प ने जो है उनसे जो एक खुफिया डील की थी और ये था कि भी हम जो है हिंदुस्तान ने ये कहा मोदी ने ये कहा कि कश्मीर पर जो है 370 सौ सत्तर आर्टिकल जो है उन्होंने रिवोक किया इसको वो हम करेंगे और इसी तरह एन आर सी का जो कानून पास किया है मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में तो इसको भी जो है पर्दा जो है हिमायत हासिल थी वो ट्रंप की और इस वक्त जो खुफिया ताकतें हैं जो आलमी ताकतें हैं और जो मामला को कंट्रोल वो करती हैं वो ट्रम्प से इस वक्त जो है वो नाराज़ हैं और वो इसको नीचा दिखाना चाहती हैं और इस इस लम्हे इस मौके पर जो बयान दिया है जो बाइडन ने इसको जो है पाकिस्तान को जो है कैश कराना चाहिए और इसके जो है हिम्मत भी करनी चाहिए जो बाइडन की हमें वो ट्रंप से क्या वो लेना है तो अब चंद महीने वो बाक़ी रह गए हैं और जो है इधर चाइना ने जो है ये काम किया है कि भाई जो सियाचंद था गलवान वादी थी जो लद्दाख था पाकिस्तान के लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा करती हैं वो चाइना ने पैदा वो कर दी है और सूरत हाल इस वक्त जो है दिन ब दिन जो है पाकिस्तान के हक में जा रही है और ये सूरत हाल जो आप देखें कि चाइना के कहने पर जो है नेपाल चाइना के कहने पर भूटान चाइना के कहने पर बांग्लादेश हालांकि बंगलादेश और हिंदुस्तान के ताल्लुक जो है मिसाली हैं मिसाली थे उस वक्त और अब जो है ये ताल्लुक जो है चाइना के कहने पर इसमें जो है वो की पैदा हो चुकी है और वो ताल्लुक पहले जैसे नहीं रहे ये सब जो है चाइना के कहने पर हुआ है इसी तरह अब जो है श्री लंका जो है श्री लंका भी आने वाले वो दिनों में जो है जो है इसके हिंदुस्तान के वो खिलाफ जो है होने जा रहा है और अमेरिका ये जो ईरान है ईरान की चाह बहार जो तो मंदरगाह है वो भी चाइना के कहने पर ईरान भी चाइना के कहने पर ईरान जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ होने जा रहा है और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के लिए एक चांस है पाकिस्तान के लिए मौका है और जो ये बयान दिया है इस वक्त अमरीकी डेमोक्रेटिक के जो सदारती उम्मीदवार है जो बाइडन और जो इस वक्त यूएसए के अमेरिका के वाइस वो प्रेसिडेंट भी हैं वाइस वो सदर भी हैं उनका ये बयान आना कश्मीरीों के लिए और जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनके लिए जो ये बयान आना एक बहुत बड़ी कश्मीरियों के लिए एक की फता भी है और उन्होंने ये कहा है कि भी हम इसको जो है ना नहीं होने देंगे हम इकतदार में आए तो इसको जो, जो जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में जो एन आर सी का जो जालमाना कानून जो मोदी लेकर आया है जो कौमियतों का जो कानून है वो लेकर आया है इसको भी जो है हम इस पर भी दीवार वो बनेंगे और कश्मीरियों पर जो इस वक्त हो रहा है इस पर भी हम जो है ये जुल्म नहीं होने देंगे और जो उधर जो है मोदी और वो ट्रम्प का जो है हाउडी मोदी का जो वो प्रोग्राम हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि भी वो दर पर्दा जो है उनकी हिमायत हासिल थी मोदी की हिमायत वो वो ट्रंप की जो है मोदी को हिमायत हासिल थी फिर जो है ट्रंप जो है इंडिया में आया इंडिया में उसने तकरीर की तो दर पर्दा ये थे कि भाई हम आपको जो है कुछ नहीं कहेंगे आपके लिए जो है आसानी हैं आप जो करना चाहते हैं आप वो कर लें लेकिन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के दारों के लिए रियासत पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका आया है कि भाई जो बाइडन का जो है इसको कैश कराएं इसकी हिमायत करें और भी इस बयान का जो है खैर मक़दम वो करें कि भाई जो बाइडन ने दिया है ये हक का वो बयान है हक का साथ दिया है इसका हम जो है खैर मक़दम करते हैं तो सूरत हाल ये है कि भाई पाकिस्तान के लिए आसानियाँ हैं अब हमारे हुक्मरानों को चाहिए इमरान खान को चाहिए जैसे शाह महमूद ने कहा कि भाई जो है जो दुनिया जो है वर्ल्ड जो है इसका नोटस ले जो कश्मीरीों पर जो है जुल्म हो रहा है तो भाई दुनिया ऐसे बयान पर आपकी बातों पर कोई वह तवज्जो देने वाली नहीं है ना खाली खोली वह तकरीरों से जो है वो कश्मीर आज़ाद हो सकता है आप चाहे में मतहदा में हज़ार वो तकरीरें कर लें चाहे उनका जो है कच्चा चट्टा खोल दें मोदी का जो है आप हिटलर कहें या हिटलर से उनको वह तशबी दें लेकिन जो है आपने अमली इकदाम उठाने हैं जैसे चाइना ने उठाया है आज देखें दुनिया कहाँ खड़ी है चाइना ने ये इकदाम उठाए चाइना आगे बढ़ रहा है सूरत हाल ये है कि भी जो ताकत है आज दुनिया ताकत को सलाम करती है तो पाकिस्तान को जो है अपनी फौजें जो हैं कश्मीर में दाखिल करनी चाहिए पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान को जो ये मौका मिला है ये बहुत ही अच्छा मौका वो मिला है और पाकिस्तान को जो है इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी फौजें जो है जो है कश्मीर में दाखिल करने चाहिए और इधर चीनी जो हुकाम है चीनी जो मीडिया है चीनी जो राइटर हैं जो उनके साफी हैं अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम कश्मीर में भी जो है अपनी फौजें दाखिल वो कर सकते हैं और चाइना जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा वो वो करते वो जा रहा है आसानियों पर है वो वो की जा रहा है अब पाकिस्तान को भी जो है अमल इकदाम उठाने चाहिए और जो है मोदी को इसका भरपूर जवाब वो देना चाहिए और मोदी को जो इसका आंसर जाना चाहिए और जो है पाकिस्तान को अपनी फौजें जो है कश्मीर में दाखिल वो करनी चाहिए ये खाली खुली जो है हमें नारे लगाने से जो है वो कश्मीर आज़ाद नहीं होगा और साल होने वाला है कश्मीरी जो है कर्फ्यू की सूरत हाल है